DPS Senior Secondary School Tabiji लेकर आए हैं online classes from pre-nursery to class 12th. 50% discount on girls fees. Online admission open. Visit dpsajmer.in. कल से जो आपके पास जानकारी थी 315 मरीजों की, उसके बाद हमारे पास 3 पेशेंट और आए हैं. एक पेशेंट तो कल ही आ गए थे पॉजिटिव और 2 पेशेंट अभी पॉजिटिव आए हैं. वो दोनों पेशेंट बॉम्बे से आए हुए माइग्रेंट हैं, मतलब बॉम्बे से आए थे हस्बैंड वाइफ दोनों जने. कल आए थे उन्होंने, कल जयपुर में ही अपनी टेस्ट कराए थे, एक प्राइवेट लैब में टेस्ट कराया, वो पॉजिटिव आए. और उसके बाद उनको हमने, जब पॉजिटिव आने के बाद सूचना मिलते ही हमने उनको जे एन हॉस्पिटल भर्ती कर लिया. दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और दोनों ऐसे स्वस्थ हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है. और साथ में एक जानकारी और देना चाहता हूँ. एक अभी अभी हमें कुछ अभी क्या सुबह सूचना मिली थी कि बांदर सिंदरी निवासी एक महिला की जयपुर में मृत्यु हुई है. और वो वहाँ पर जब उनकी टेस्ट हुआ तो कोरोना पॉजिटिव आया था. उसके लिए हमने RRT टीम, रैपिड रेस्पॉन्स टीम भेजी. उसमें डॉक्टर रविंद्र तिवारी और लोग भी हैं. वो अभी लौट कर आए हैं, वैसे 10-2 मिनट पहले ही. उन्होंने जो जानकारी दी वो ये थी कि वो मजदूर महिला बॉम्बे से टेम्पो में करीब करीब 12-13 लोग बॉम्बे से यहाँ तक आए थे. और उसके बाद वो महिला की तबीयत खराब हुई. उसने वहाँ वाईएन हॉस्पिटल दिखाया, वाईएन हॉस्पिटल में संतुष्ट नहीं हुए तो जयपुर के लिए गए. और जयपुर जाते वक्त रास्ते में महिला की मृत्यु हो गई. और वहाँ जब जयपुर पहुँचे तो उन शव का जब टेस्ट किया गया तो वो कोरोना पॉजिटिव निकला. तो उनके भी काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स जब ट्रेसिंग करके लेकर आएँ, उनके सैंपल करेंगे, उसके बाद पता लगेगा. इसी तरीके से भिनाए में भी हमें सूचना मिली कि भिनाए के किसी माइग्रेंट को, उनकी भी जयपुर में कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है. एक हमारी RRT टीम अभी जयपुर भी गई हुई है, उनकी भी रिपोर्ट आएगी तो आपको सूचित करेंगे. आज हम जो है अभी केवल 2 मरीजों की छुट्टी कर पा रहे हैं, 2 मरीज छुट्टी करेंगे. बाकी जैसे हमारी रिपोर्टें आ रही हैं, अभी तक 2 मरीजों की छुट्टी कर रहे हैं, शाम तक रिपोर्टें और आएंगी, उसके बाद जैसा भी हो बता देंगे. एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि वो जो क्वारंटीन सेंटर डेवलप हुए हैं CMHO साहब की तरफ से, उनके हमने आज 3 डॉक्टर्स और 4 नर्सिंग कर्मियों को ट्रेनिंग दी है. तो अब हमारा हमको उम्मीद है कि हम JLN हॉस्पिटल को काफ़ी चीज़ हद तक खाली करके और इसको नॉन कोविड एक्टिविटीज़ के लिए 2-4 दिन में हम तैयार कर पाएंगे. क्योंकि अब जो उनको ट्रेनिंग हो गई है, वो लोग हमें ग्रीन सिग्नल देते हैं तो हम हमारे सारे नॉन सीरियस पॉजिटिव मरीजों को वहाँ शिफ्ट कर देंगे और उनका इलाज वहाँ चलेगा. ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनकी हेल्प करेंगे, अन्यथा वो लोग उनको वहाँ के डॉक्टर्स उनको मैनेज करेंगे. और हम ये जो JLN हॉस्पिटल है नॉन कोविड कार्यों के लिए 2-3 दिन में हम, मुझे लगता है, हम चालू कर पाएंगे.